नमस्कार, मैं गौरप्रीति आप सभी का IMS स्टूडियो में स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ रिनोन जर्नलिस्ट दिनेश कांडपाल मौजूद हैं। सर इस समय इंडिया टीवी में सीनियर एडिटर पद पर हैं। सर की एक किताब भी है जिसका नाम पराक्रम है। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे आपकी बुक को ही लेकर है, आपकी बुक जो पराक्रम है, आपको इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? धन्यवाद गौरव। गौरव, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमें आज़ादी के तुरंत बाद आक्रमण का सामना करना पड़ा। अगस्त में हम आज़ाद हुए और उसके बाद अक्टूबर से ही पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए और कश्मीर में बिना आर्मी की वर्दी के आतंकी भेजने शुरू कर दिए। तो हमारा देश एक तरह से बिल्कुल संभल नहीं सकता था उस वक्त, लेकिन फिर भी हमारे जाबाज जवानों ने लड़ाई लड़ी और उन्हें खदेड़ा। उसके बाद ऐसे मौके 1961 में भी आया, 62 में भी आया, उसके बाद 1965 में आया, फिर 1971 में आया, फिर 1999 में आए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ी चीज़ें थी जिन्होंने एक देश को बचाया, एक देश को संभाला, और उन लोगों की कहानियाँ सामान्य नागरिकों तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये बात सब लोगों तक पहुँचे इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ इन्हें इस तरह से लिखूं कि ईजी टू रीड हो, आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके और आसानी से हमारे शूरवीरों के बारे में जान सके। इसलिए सारे सब्जेक्ट की जानकारी रखने के साथ साथ एक टॉपिक पर अपनी कमांड बनाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक कीजिए, अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव कीजिए और आप एक सफल पत्रकार जरूर बनेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो आपको फेक न्यूज़ को कम करने के लिए और उस पर कुछ गंभीर विचार करने के लिए आपकी क्या राय है? गौरव, जब हम कोई फसल बोते हैं ना खेत में, तो कई फेज होते हैं। पहले हम खेत जोतते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खाद डालते हैं और एक इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है गुड़ाई करने का। उस गुड़ाई में हम क्या करते हैं कि जो घास होती है, खरपतवार होती है, उसे हटा देते हैं। तो अभी जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, ये ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करेंगे तो इसके साथ खरपतवार भी आएगी। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगेंगी। अब देखिए, एक दौर था जब बहुत सारी फेक न्यूज़ काफ़ी दिनों तक सोशल मीडिया में बनी रहती थी, लेकिन आज क्या होता है कि फेक न्यूज़ आती है और अगले 2 घंटे में उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, कहीं ना कहीं से उसके फैक्ट चेक हो जाते हैं। सबके पास इतना अच्छे टूल्स हैं, इतनी अच्छी रिसर्च है कि कोई अगर एक गलत फैक्ट को लेकर कोई एक ट्वीट कर देता है तो उस ट्वीट को करेक्ट करने वाले 1000 लोग हैं। तो एक युग ऐसा आएगा जब लोग फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने से डरेंगे। तो आज की डेट में आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में जो फेक न्यूज़ का दौर था वो कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए फेक न्यूज़ एक टाइम पीरियड की चीज़ है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे चीज़ें और अलर्ट होंगी तो ये दौर भी चला जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पत्रकारिता की आज़ादी को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, पत्रकारिता की आज़ादी तो बुनियादी चीज़ है, वो होनी ही चाहिए। हमें लोकतंत्र का 4th स्तंभ कहा गया है और हर स्तंभ के पास अपनी एक आज़ादी होनी चाहिए और वही आज़ादी मीडिया के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए और अपना एक जो दायरा है आज़ादी का, उसमें हमेशा अपने कर्तव्यों को अपनी सीमा बनाना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जिसको खबर दे रहे हैं वो खबर उस पर क्या असर डालती है, ये भी देखना पत्रकार का ही काम है। तो इसलिए आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग आज़ादी पे ख़तरा बन के मंडराते हैं उनके खिलाफ तो बोलने की और ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए फ्रीडम इज मस्ट अलॉन्ग विद आवर ड्यूटीज़। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि पहले जो डिलीवरी कंटेंट होता था मीडिया का, वो अब से कितना अलग हो चुका है? देखिए, टेक्नोलॉजी बदली है, लोग बदले हैं, ज़माना बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा।
तो इसे गौरव इसी तरह से लेना चाहिए कि जैसे आज आप युवा पत्रकार हैं, आप एक नए तरह का जर्नलिज्म देख रहे हैं, जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे तो और नई चीज़ें आ जाएंगी। हमने जब जर्नलिज्म शुरू किया तो एक अलग डिलीवरी मेथड्स था, एक अलग तरह का डिलीवरी कंटेंट था। जैसा कि हम अपने बुलेटिन में एक टाइम पे क्या करते थे कि जब हमारा बुलेटिन ख़त्म हो रहा होता था तो हम एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी डालते थे, एक ऐसी स्टोरी डालते थे जिससे कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और वो पैकेज बड़ा मस्त होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई बात नहीं है, आज बिल्कुल स्ट्रेट न्यूज़ दिखाते हैं। तो ये अपने अपने टाइम की बात है। हाँ ये है कि डिलीवरी हर युग में चेंज होती है, और आज के युग में बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप देखिए, सुबह आपके टेलीविज़न पे कुछ और खबर होती है, दोपहर में कोई और खबर होती है, और जो खबर सुबह सबसे बड़ी खबर होती है उसका शाम तक पता ही नहीं रहता। तो ये भी एक एक एक, एक साइकिल चल रहा है, और जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा डिलीवरी मेथड्स अपने आप चेंज होते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं गौरव प्रीति, कैमरामैन अखिल शर्मा के साथ आई एम स्टूडियो।